लाइन नहीं, बहुत सारे कोचिंग वाले होते हैं एनसीईआरटी से बाहर का दे दे के बच्चा लोगों को डिप्रेशन में डाल देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जो मॉड्यूल देते हैं इतना, वो मॉड्यूल बेकार होती है, अच्छा कोई फ़ायदा नहीं है। मॉड्यूल में जितना है वो सब बीएससी वाला नॉलेज है वो, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट देने से पता लगता है कि क्या हमको नहीं आता, क्योंकि इंसान का पढ़ा हुआ सब कुछ रहता है, कुछ ही कुछ जो है उसको नहीं आता है, जिसके चलते सिलेक्शन नहीं होता है। तो फोकस उस पर करना है जो नहीं आता है, जो आता है वो तो आता ही है, कभी भूल नहीं सकता है इंसान उसको। लोग को जो खुशी महसूस है बहुत अपार खुशी है, हाँ, इस परिवार में ख़ानदान में कम से कम मेरिट से निकाल लाया है, बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, एम्स से नीचे तो खैर मिलने का प्रश्न ही नहीं है। और हमारे जितने परिवार के लोग हैं सब बहुत गदगद हैं एकदम, कि हमारे पूर्वजों का जो मेन जो एम था कि हमारे बच्चे कुछ करें, जमींदारी तो चली गई, इस बच्चों ने हमारे पुरखों का जो अरमान था आकर्षण आज मान सम्मान इज्जत फिर से लौटा दिया। ये था कि हमको MBBS करना है, हाँ MBBS करना है और वो भी हमको एम्स से करना है। मम्मा हम तुमको एम्स करके दिखाएंगे और तुम चलोगी मेरे साथ एडमिशन कराने एम्स में। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूँ इमरान अली। वीवर से आप जानते हैं कि कई बार मैंने आपकी मुलाकात अलग अलग तरह के प्रतिभा से कराया है। अभी हाल के दिनों में मैं एक UPSC क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करा रहा था और कई IITN और जो नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि नीट 2023 का रिज़ल्ट अभी आया है और बच्चों में काफ़ी खुशी है। उन्हीं में से आकर्ष हैं जिनके पास मैं आया हूँ, इन्होंने इस बार नीट में बहुत अच्छा किया है और शेरघाटी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स इनको लगातार बधाई दे रहे हैं, इनके परिवार के लोग इन्हें बधाई दे रहे हैं और शेरघाटी के लिए गर्व की बात हुई है कि इन्होंने बहुत नीट में अच्छा मार्क्स लाया है। आप जैसा जानते हैं कि जो नीट का फुल मार्क्स है वो 720 है और उसमें 670 ले आना बड़ी बात होती है, बड़ा कंपटीशन है ये और बहुत ही ये कठिन परीक्षा माना जाता है नीट की परीक्षा जो है। लगभग 20 लाख छात्र हर साल बैठते हैं इसमें और उसमें जो सीट है वो 50,000 लगभग MBBS के लिए सीट है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंपटीशन है ये। तो सबसे पहले आकर्ष आपका बिहार आजकल में स्वागत है। हाँ थैंक यू, और मैं आपको बधाई देते हैं, आपने ये क्वालिफाई किया, शेरघाटी का नाम रोशन किया, आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ थैंक यू थैंक यू। ये कि अभी बड़ा स्ट्रगल का दौर होता है और कश्मकश रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये कितनी बार में कितना अटेम्प्ट रहा आपका जो आपने इस बार क्वालिफाई किया है, तो कितना अटेम्प्ट लेना पड़ा आपको? ये तो मेरा थर्ड था, बीच में तो नहीं था, तो थर्ड रहा ये। थर्ड रहा, हाँ। तो आगे कितना मार्क्स आता रहा है आपको? ये लास्ट जब मैंने दिया था तो 2021 में दिया था, तो उस टाइम 540 था। और उससे पहले जो पहली बार दिया था, फर्स्ट टाइम आपने दिया था, तो कितना मार्क्स? 480 था। अच्छा, बढ़ता रहा आपको। हाँ। तो कैसा लगता था कि ये बढ़ रहा है, तो उम्मीद बनी थी आपको? हाँ। अच्छा है, तो बढ़ता है तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी कॉन्स्टेंट भी हो जाता है बहुत बार, कभी हमेशा लक का है कभी और कभी मेहनत का है, पेपर कैसा आता है, एग्ज़ाम में कैसा सिचुएशन रहता है, वो भी मैटर करता है। अभी जो मार्क्स आया आपका, क्या एग्ज़ाम दे के आप जब निकले थे एग्जामिनेशन हॉल से, तो आपको लग गया था कि इस बार अच्छा हो रहा है? हाँ, मतलब लगा था, किस्मत ख़राब रहा तो 600 प्लस आना है, अगर अच्छा रहा किस्मत साथ दिया तो 650 प्लस तो कोई नहीं रोक रहा था। अच्छा, जब आपने जो क्वेश्चंस किए होते हैं उनको मिलाया, हाँ, तो आपको लगा कि अब इस हाँ हो गया था, क्योंकि अच्छा। फिजिक्स जब मिलाए थे तो फिजिक्स में बस एक गलती थी, बॉटनी सारा सही था, केमिस्ट्री में 5 गलत थे और जूलॉजी में 2, शुरू में ऐसा था मतलब। और इसके पहले मतलब ये लास्ट में आंसर की जब आया ना, मतलब OMR, तो OMR के पहले का है, मतलब जब हमको NTA का ऑफिशियल आंसर की जो था उससे मिला है तब, और फिर बाद में OMR आया तो और घटा, लेकिन सबसे पहले जब आकाश के आंसर की से मिलाया था तो मार्क्स 20 नंबर ज़्यादा था, लेकिन वो कम हो गया। क्या वजह रही कम होने की? वो आंसर की चेंज हो गया ना, मतलब ऑफिशियल आंसर की जो है उससे, उसमें 2 क्वेश्चन कम हुए और फिर 2 क्वेश्चन कम हुए, OMR गलत फील हो गया था। आकर्ष ये बताइए कि जो तैयारी कर रहे थे आप नीट की, तो जाहिर है कि जब दो अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं एक डर भी होता है और कंपटीशन भी बड़ा है, तो डर होना वाजिब है,
लेकिन इस बार जो इतना अच्छा मार्क्स आपने लाया है, तो किस तरह से तैयारी किया था ताकि जो दूसरे व्यूवर्स हमारे या स्टूडेंट देख रहे हैं आपका इंटरव्यू, तो वो भी कुछ आपसे सीख पाएँ कि आपने तैयारी जो किया क्या तरीका अपनाया? तैयारी में तो सिर्फ यही है कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए उतना अच्छा है। जैसे सबसे बड़ा तो मेन बात है कि NCERT एक बुक होता है, तो NCERT के बाहर किसी को जाना नहीं है, क्योंकि NCERT सब कुछ है एक तरह का। जैसे बाइबल होता है, गीता होता है ना, कुरान होता है इंसान का, वैसे ही नीट के लिए NCERT है। NCERT से बाहर जाना नहीं है। और इस बार भी बायोकेमिस्ट्री जितना क्वेश्चन था सब NCERT से था, NCERT से बाहर एक भी लाइन नहीं। बहुत सारे कोचिंग वाले होते हैं NCERT से बाहर का दे दे के बच्चा लोगों को डिप्रेशन में डाल देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जो मॉड्यूल देते हैं इतना, वो मॉड्यूल बेकार होती है। अच्छा, कोई फ़ायदा नहीं है। मॉड्यूल में जितना है वो सब BSc वाला नॉलेज है, वो BSc वाला नॉलेज किसी को लेना ही नहीं है। तो जो है मेन NCERT है, थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहना है कि बाद में जाके लॉन्ग टर्म याद रहे। और लॉन्ग टर्म याद रहेगा तो एग्ज़ाम में आप तभी सही कर पाइएगा, क्योंकि इंसान पढ़ता है तो भूलता भी है, और एक चीज़ को अगर बार बार पढ़ लेगा तो याद रहेगा दिमाग में अच्छे से एग्ज़ाम के टाइम में। और जैसे फिजिक्स रहा तो फिजिक्स में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और लास्ट में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया तो उसमें भी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और टेस्ट के थ्रू अगर प्रैक्टिस हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे टेस्ट दीजिए आप डेली, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सेट उसको बनाइए, वैसे बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये जो अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन है, बहुत सारे क्लासेस अभी PW काफ़ी ऑनलाइन में फेमस है, हाँ, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन को किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर कोई बोले कि हमको लेक्चर करना, अगर पढ़े नहीं हो तो तुम लेक्चर देख सकते हो, अगर पढ़ा हुआ है तो सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं है। ऑनलाइन लेक्चर देखने में बहुत टाइम वेस्ट भी होता है। एक चैप्टर को अगर वो कोई, अगर बायो का ही चैप्टर है तो कोई एक चैप्टर को 16 लेक्चर में डिवाइड कर देते हैं। एक लेक्चर रहता है 2-2 घंटे का, तो 32 घंटे का। अगर वही लेक्चर को आप, अगर वही उसके जगह आप NCERT पढ़िएगा तो आपका 1.5 से 2 घंटा में NCERT पूरा अच्छे से हो जाएगा। बस पढ़ना है आपको। तो सेल्फ स्टडी में बच्चों का दिल लगे उसके लिए क्या सजेशन देंगे आप? बहुत मुश्किल काम होता है। सुबह का टाइम में पढ़िए। अच्छा। सिर्फ सुबह, मतलब सुबह का आपका 4 बजे से 3-4 बजे जब भी आपका मन करे, 3-4 से लेके सुबह 8-8:30 तक अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे का ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए। और फिर शाम वाला जो टाइम है आपका 2 से 5 हो गया, मतलब 12 बजे तक आपको फ्रेश होना है, हो जाइए। फिर 2 से 5 वाला टेस्ट का टाइम है, तो टेस्ट अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है तो टेस्ट प्रैक्टिस करिए। फिर शाम में टेस्ट का जो टेस्ट दिए हैं उसको एनालिसिस करिए। फिर रात में खाना खा के सो जाइए, फिर सुबह में पढ़िए बस। नहीं, इंटरेस्ट बच्चों में कैसे बढ़े अगर आप उनको ये बताएं कि उनके अंदर सेल्फ स्टडी का इंटरेस्ट बढ़े, तो क्या सजेशन आपका होगा? वो एक ही तरीके से बढ़ सकता है, अगर कोई पढ़ रहा है कोई टॉपिक तो उसके तुरंत बाद क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, क्वेश्चन बनेगा तो इंटरेस्ट जगेगा। अगर पढ़ लिया उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, तो इंटरेस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। जितना पढ़ा सब पानी में जाता है। तो अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। जो अब तो आप डॉक्टर बनेंगे, MBBS में एडमिशन होगा, तो खूब पैसा कमाएंगे अब? नहीं, पैसा तो नहीं है, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। पहले तो अच्छा से पढ़ना है, पढ़ने में ही बहुत है। ये जो डॉक्टर बनते हैं, लोग बोलते हैं हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि हम जितना पैसा कमाते हैं वो कम है जितनी मेहनत करते हैं। मेहनत तो बहुत है, क्योंकि अभी नीट का है, तो अभी MBBS है, तो 4.5 ईयर्स MBBS लगेगा। उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप है, फिर उसके बाद नीट का PG होता है, तो PG होगा। फिर उसके बाद एक नीट PGSS होता है, सुपर स्पेशलिटी। तो PG में आपका 2 साल जाता है, सुपर स्पेशलिटी में 3 साल जाता है। तो ऐसे जैसे अभी आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ सिरघाटी में सुपर स्पेशलिटी का एक भी डॉक्टर नहीं है जैसा, क्योंकि सुपर स्पेशली आपका डिग्री होता है DM MCH, देखे होंगे, वो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो लोग, एक कोई एक स्पेशल रहता है सब्जेक्ट है, कोई एक टॉप एक उसमें इनका रहता है सुपर स्पेशलिटी का कोर्स, उसी के स्पेशलिस्ट होते हैं। आपका क्या इंटरेस्ट है? फिजिशियन बने, आगे मास्टर डिग्री जब आप करेंगे तो फिजिशियन होना चाहेंगे या सर्जन होना चाहेंगे, इंटरेस्ट क्या है आपका? ऐसे तभी न्यूरो है और रेडियोलॉजिस्ट है। अच्छा, ये 2 ब्रांच है, और देखते हैं, अभी तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। ये जो टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज का कितना दिन तक देना चाहिए बच्चों को टेस्ट सीरीज? क्या एग्जामिनेशन से कितना पहले से शुरू करना चाहिए इसको, या डेली कितनी बार करना चाहिए इसका? क्या आपको क्या लगता है अपने हिसाब से, आपने जो तैयारी की थी उस दौरान? टेस्ट सीरीज़ तो स्टार्टिंग से ही देना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत बच्चे जो हैं
पार्ट वाइज टेस्ट देने लगते हैं, कुछ कुछ चार चार पाँच पाँच मिनी टेस्ट देते हैं, मतलब कुछ कुछ चैप्टर का, लेकिन वैसा नहीं देना चाहिए। टेस्ट देना है अगर पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट फुल सिलेबस टेस्ट पे जाइए, क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट देने से पता लगता है कि क्या हमको नहीं आता, क्योंकि इंसान का पढ़ा हुआ सब कुछ रहता है, कुछ ही कुछ जो है उसको नहीं आता, जिसके चलते सिलेक्शन नहीं होता है। तो फोकस उस पर करना है जो नहीं आता है, जो आता है वो तो आता ही है, कभी भूल नहीं सकता इंसान उसको, ये है। और टेस्ट तो देने चाहिए, और लास्ट के एक महीने में जैसा रहता है इंसान का, तो लास्ट के एक या दो महीने वो इंसान को, मतलब कोई भी स्टूडेंट है एस्पायरेंट, तो उसको टेस्ट में देना चाहिए। दो महीने या डेढ़ महीने तक अच्छे से पढ़ ले, फिर उसमें आराम से, मतलब दो या तीन महीने लास्ट में तो टेस्ट स्टार्ट कर ही देना चाहिए, और लास्ट के महीने में ना सिर्फ टेस्ट दे, और जो पढ़ा हुआ है वही पढ़े, नया कुछ नहीं पढ़े। जो पहले से पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करते रहे एक एक दिन में डेली, और टेस्ट दे, एनालिसिस करे, सब हो जाएगा नीट। फिर मतलब अगर इतना अच्छे से करेगा तो उसको कोई नहीं रोक रहा है, और कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है तो बढ़ेगा ही, उसमें तो कोई है नहीं। इस बार 21 लाख बच्चे दिए थे, 20,96,000 कुछ बच्चे, तो अगले साल मतलब कम से कम 23-24 लाख बच्चे तो होंगे ही, तो उसमें तो कोई कमी नहीं होना है, कंपटीशन बढ़ेगा ही, लेकिन वही है अपने अपने आपको क्या लगता है कि कॉलेजेस बढ़ने चाहिए, मेडिकल कॉलेज जो बच्चे हैं तो उसमें, ऐसा नहीं कि सब कमज़ोर बच्चे हैं, उसमें पढ़ने वाले भी होते होंगे, 50% बच्चे ऐसे हैं तो टॉपर हैं तो वो निकाल पाते हैं, उनको कॉलेज मिलेगा, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि देश में मेडिकल कॉलेज और ज़्यादा होना चाहिए? मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसके चलते हैं सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं होना चाहिए, वहाँ फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी NMC ने लगभग 500 मेडिकल कॉलेज के ऊपर फाइल कराया कि उन्हें वो बंद करेगी, प्राइवेट हैं कुछ, गवर्नमेंट भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही है, अभी जैसे बिहार में भी एक नया कॉलेज खुला है पूर्णिया में, 100 MBBS की सीट वहाँ भी बिहार में नहीं आई है, तो ऐसे एक सीट आया है, और भी बहुत सारे कॉलेज खुल रहे हैं नए, जैसे UP में बहुत कॉलेज खुला है, अभी आपका तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इंडिया में खुल रहा है, लगभग 10+ कॉलेज खुल रहा है, हर जगह कॉलेज खुल रहा है। लेकिन कॉलेज खोलना ही नहीं होता है मेन, कि वहाँ पढ़ाई भी होना चाहिए, जो प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करनी होनी चाहिए वो भी मिलना चाहिए बच्चों को, तभी पढ़ाई सही से रहेगा, तो ये भी है। और रही बात कि डिज़र्विंग और नॉन डिज़र्विंग, तो ऐसा रहता है कि अगर कल को बच्चे रहें, मतलब मान लीजिए जैसे 10,000 सीट है मतलब अभी, और 10,000 बच्चे जो आए हैं, तो 10,000 बच्चों को मिला कॉलेज, उस 10,000 के बाद जो है उनको नहीं मिल रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जो 10,000 के पार है कि वो नॉन डिज़र्विंग है, कल को वही 10,000 की जगह 20,000, 25,000, 30,000 सीट हो जाए तो वही नॉन डिज़र्विंग बच्चे डिज़र्विंग बन जाते हैं। तो पढ़ना सबको है, बस वही है कि ज़्यादा जितना इनको रिक्वायरमेंट होता है उतना प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है तो उसमें तो कोई रोक है नहीं, और बच्चे भी कंपटीशन वाले हैं, बच्चे आजकल ऐसा नहीं है, ऑनलाइन जब से आ गया हर बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन भी बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वही है। चलिए आकर्ष, ये तो साइंस के सवाल थे, हम हिस्ट्री में आते हैं। आपका जो परिवार है बहुत हिस्टोरिकल है, शेरघाटी के लोग जानते हैं आपके दरबार हाउस को, दूर दराज जानते हैं लोग, पूरे गया डिस्ट्रिक्ट में जानते हैं, बिहार में भी जानते हैं, तो ये जो आपका ऐतिहासिक घराना है दरबार हाउस, तो इसके बारे में किस तरह से आप जानते हैं अपने परिवार वालों के बारे में, या दरबार हाउस के बारे में अगर हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कुछ अपने पैतृक इतिहास के बारे में, तो क्या बताएंगे आप? जैसे पैतृक इतिहास के बारे में तो हम तो बस सबका नाम जानते अच्छा हैं कि कौन कौन है हमारे पूर्वज, जैसे हम हैं, मेरे ऊपर मेरे पापा पंकज कुमार, फिर दादा मेरे इंद्रदेव प्रसाद गुप्ता, फिर उनके ऊपर हैं चंद्रदेव प्रसाद गुप्ता दादा के पिताजी, फिर उनके ऊपर हैं पंचरतन लाल गुप्ता, उन फिर उनके ऊपर है डोमन लाल, बस यहीं तक ये तो पता है। घाटी के लोग बहुत ये डोमन लाल जी और पत्रतन लाल जी जो थे तो जानते हैं लोग कि दरबार हाउस का परिवार, और बताया जाता है कि उस परिवार में कई बहुत सारे ऐतिहासिक लोग भी, स्वतंत्रता सेनानी भी आए, तो उसमें से कुछ लोगों को जानते हैं क्या? हाँ जानते क्या हैं। सुना है, किन से सुना है ये सब? मतलब ये सब तो दादा से, पापा से, इन्हीं लोगों से सुना है कहानी। जैसे एक तो आपके जो पैसे में आप देखते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी ये आए हैं, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अपने देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, विनोबा भावे हैं, फिर JP नारायण हैं। चलिए
अच्छी बात है, फिर से हम आपको एक बार बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, एम्स मिले। और आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज मैं आकर्ष के पास आया हूं। आकर्ष ने इस बार नीट में क्वालिफाई किया ही नहीं है, बल्कि नीट में अच्छा मार्क्स 720 में इन्होंने 670 मार्क्स लाया है और अब ये बिल्कुल डिज़र्व हो गए हैं कि इनका एम्स में या अच्छे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में इनका दाखला हो जाएगा। तो ये बड़ा ही इस परिवार के लिए गर्व की बात है। और आपको परिचय करा देते हैं, पीछे हमारे देख रहे हैं पंकज सर, ये जो पंकज कुमार सर हैं ये डीएवी पब्लिक स्कूल में आर्ट्स के टीचर हैं और उनके बड़े भाई हैं यहाँ पर और वो उनके आकर्ष के बड़े भाई हैं वहाँ पर और उनकी मम्मी हैं। आपको और बता दें कि जो शिरघाटी का दरबार हाउस है ये बड़ा ही ऐतिहासिक परिवार है। उस परिवार में, दरबार हाउस के परिवार में कई, उस घर में कई बड़े लोग, देश के कई स्वतंत्रता सेनानी वहाँ आए हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, ऐसे विनोबा भावे, ऐसे बड़े बड़े लोग उस घर में आए हैं और उससे संबंध है इनका। ये परिवार जो है वो ज़मींदारों का परिवार कहा जाता रहा है, फिर बाद के दिनों में लोग अब अपने अपने काम में गए हैं, विस्तार हो गया है, लेकिन आज इस परिवार को बहुत खुशी है कि उनके उनके परिवार का नाम रोशन हुआ है और उनके घर का कोई बेटा अब डॉक्टर बनेगा। और इस पंकज कुमार सर जो हैं, इनके पिता इंद्रदेव प्रसाद गुप्ता जी जो कि शिरघाटी में व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी प्रतिष्ठा रही है उनकी भी इस शहर में, तो हम बात करेंगे इस परिवार से आज के कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, किस तरह की खुशी है आज इनके बेटे आकर्ष के इस नीट में इतना अच्छा मार्क्स लाने पर। हम सबसे पहले जो आकर्ष के बड़े अंकल हैं सुधीर जी, हम उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आज इस खुशी के। हमारे तो हमारे फादर को जितना खुशी है मन में, आज उनको आत्मा को मिल रहा होगा कि मेरा पोता इतना अच्छा किया, जो चाहते थे कि हमारा पोता डॉक्टर बने, खानदान में ही रोशन करे। आज अपार खुशी हमको, कल ही से हम लोग को जो खुशी महसूस है, बहुत अपार खुशी है। हाँ, इस परिवार में, खानदान में कम से कम मेरिट से निकाल लाया है, बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, एम्स से नीचे तो खैर मिलने का प्रश्न ही नहीं है। आपके परिवार में कहा जाता है बहुत बड़े बड़े लोग, हाँ सब हमारे यहाँ। तो आप किस तरह याद करते हैं, कौन कौन लोग आते हैं हमारे यहाँ? महात्मा गांधी आए हैं, जवाहरलाल नेहरू आए हैं, फिर आपको विनोबा भावे आए हैं और लोग आए हैं, जाकिर हुसैन भी आए हैं। तो हमारे आपके परिवार में और जो एजुकेशन में कोई लोग किस किस पद पे रहे हैं? हमारे एडीएम रहे हैं, चाचा डॉक्टर तो है ही हैं, दो दो को डॉक्टर हैं जी। अभी जो अभी हमारा चचेरा भाई है प्रभात कुमार गुप्ता का, इसमें है, इनका कहते हैं अरे डिफेंस, रिलायंस में बड़ा लड़का उनका है डिप्टी मैनेजर, अभी डिफेंस में छोटा लड़का है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स डिफेंस में अभी चला गया। तो अब आकर्ष के बात कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, आकर्ष बहुत रोशन करेगा, आगे चल के भी बहुत बड़ा नाम कमाएगा ही। विवर से ये इनके पिता हैं पंकज कुमार सर, जो डीएवी में शिक्षक हैं। सर डीएवी के वरिष्ठ शिक्षक हैं और बहुत मशहूर हैं शिरघाटी में पंकज सर। सर कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं कि बेटे का डॉक्टर बनने की तरफ बढ़ना और नीट में इतना अच्छा मार्क्स लाना जैसे ही आपको मालूम हुआ, तो किस तरह की खुशी हुई आपको? ऐसा है सर कि मेरा बेटा जो है इस नीट के जो इसका सफलता हुई है इसमें, इसने एक साल से मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं किया था, अपना तन मन धन से लग गया था पढ़ाई में, और जो जिसमें नंबर जो गलती होता था तुरंत टॉपिक्स को, लेसन को रिवाइज करता था और पेरेंट्स से केवल 24 घंटा में एक ही बार बात करता था, और इसका श्रेय इसके नाना जी को जाता है। नाना जी इसको रखे, पढ़ाए लिखाए और हमेशा कह रहा आशीर्वाद देते रहे कि बेटा तुम करोगे, तो आज नाना जी को बहुत खुशी है, मामा को खुशी है, हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, हमारे डीएवी स्कूल के हमारे प्रिंसिपल अभी ज्वाइन किए हैं श्री मनोज कुमार दुबे, इतना खुश थे कि हम अब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं पूरा, आज उनके लिए पूरा जो है कहे कि हमारे डीएवी फैमिली से एक लड़का जो है टीचर का बेटा किया, हमें इतनी खुशी हो रही है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत गदगद थे आज। अब हम लोग की पहचान जब आकर्ष से मिलेगी समाज में,
हम लोग की पहचान है रे, डॉक्टर आकर्ष के फादर हैं ये। और डॉक्टर लोग तो अभी से फ़ोन करना शुरू कर दिए हैं कि आइए, जैसे डॉक्टर चौधरी रंजनंदन, डॉक्टर विमलेंदु विमल, डॉक्टर पीके कुंडू, डॉक्टर राजेश सिंह को मिला, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए, अभी तो आउट ऑफ सेशन से उनको मालूम हुआ वो दिए। डॉक्टर पंकज सिंह बोले थे कि सबसे पहले आप बताइएगा, इतने खुश है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और हमारे बच हमारा मैं तो सैनिक सुलतलिया का प्रोडक्ट हूँ, और हमारा जो सर्किल जो फ्रेंड सर्कल है वो परसों से परेशान किया हुआ है, चलो हमारे बुढ़ापे का एक लड़का आ गया जो हम लोग का देखभाल करेगा, चलिए हम भी आज मिठाई खाने आ गया। तो खुशी तो पूरा परिवार हर तरह से इतने अच्छे, हाँ डेली आप तो हाँ और हमारे जितने परिवार के लोग हैं सब बहुत गदगद हैं एकदम, कि हमारे पूर्वजों का जो मेन जो एम था कि हमारे बच्चे कुछ करें, जमींदारी तो चली गई, इस बच्चों ने हमारे पुरखों का जो अरमान था आकर्ष ने आज मान सम्मान इज्जत फिर से लौटा दिया, ये कहा कि जितनी प्रॉपर्टी एक तरफ और आकर्ष का जो रिजल्ट है एक तरफ। चलिए बहुत बधाई सर आपको, थैंक यू कांग्रेचुलेशंस। हां दे आपको, और अब आप व्यूअर्स से बता दें कि एक जो बच्चे के बच्चों की माँ होती है उनको कितनी खुशी होती है, उनका बचपन से लालन पालन करके और उनको लगता है कि उनके बच्चे कुछ अच्छा करें बड़ा करें, तो जाहिर है कि आकर्ष की माँ है यहाँ पर और आज कितनी खुश हैं ये, कैसा महसूस कर रही है इस खुशी के दिन में? आज मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरा बेटा आकर्ष मेडिकल निकाल लिया, नीट निकाल लिया, और ये बोला था मम्मी तुमको मेरे साथ एम्स चलना होगा एडमिशन कराना, मैं एम्स में एडमिशन लूँगी। और आज जब आया एग्ज़ाम देकर तो बोला मम्मी कितनी खुशी हो रही है तुम्हें, बोला बहुत खुश हूँ बेटा। तो क्या लग रहा था आपको कि मतलब कई बार अगर ये नहीं, ये एग्ज़ाम देता था जैसे अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था और टेस्ट सीरीज लिए हुआ था, तो हर एग्ज़ाम देता था और उसका रिजल्ट आता था, तो उससे हम लोग को तो पूरा उम्मीद था कि नहीं इस बार इसका हो जाएगा अच्छा। तो आपने दबाव दे के डॉक्टर बनवाया या ये नहीं इच्छा थी क्या? नहीं, इसकी इच्छा थी। अच्छा, इसकी इच्छा थी कि हमें लेना है तो MBBS में लेना है, दूसरी कोई नहीं, हम लोग कहे BDS ले लो, तो नहीं मम्मा हम BDS नहीं, मैं BDS नहीं करूँगा, और BDS के नाम पे बहुत गुस्सा होता था, मतलब एकदम टारगेट, हाँ इसका टारगेट था कि हमको MBBS करना है, MBBS करना है और वो भी हमको एम्स से करना है। मम्मा हम तुमको एम्स करके दिखाएंगे और तुम चलोगी मेरे साथ एडमिशन कराने एम्स में। तो पेरेंट्स के रूप में आप कैसे इनको आगे बढ़ाया, क्या कुछ खास आपका था ध्यान? हमारा कोई ध्यान नहीं था, इसको था, फिर हमने कहा कि बेटा देखो तुम कहीं भी जा रहे हो पढ़ रहे हो तो मोबाइल तुम नहीं यूज़ करोगे, और तुमको अपना लक्ष्य जो निकालना है जब तुम करो मेहनत करोगे तभी तुम कुछ आगे। मोबाइल तो मानते नहीं बच्चे, लेकिन नहीं मानते हैं, लेकिन इसका ये स्मार्टफोन मेरे पास छोड़ के गया। अच्छा, इसको सिंगल फ़ोन दिए थे छोटा वाला बटन वाला नोकिया का, वो फ़ोन लेके गया था और उसी से बात कर, मतलब सुबह थोड़ा बहुत बात होती थी, एक बार रात में दो बार बस मात्र बात होती थी इससे और ज़्यादा नहीं। जिस दिन रिजल्ट इसका आया, एग्ज़ाम दे के आया, उस दिन हमको बोला मम्मी 690 आ रहा है, हमले 690 आ रहा है, उसके बाद कहता मम्मी रोना आ रहा है, हमले बेटा खुशी का आंसू है ये, मतलब रोने लगा मार्क्स ऐड करने के बाद बोल के कर रहा रोने लगा, फिर बोल रहा मम्मी दो क्वेश्चन और लग रहा है मेरा गड़बड़ होएगा, फिर उससे करते करते दो क्वेश्चन और इसका गड़बड़ हो गया, हमले तो ऐसे करते करते चार क्वेश्चन इसका और निगेटिव चला गया, दो तो सही था लेकिन ये बोला कि NTA मानी नहीं उसको सही। बाद में वो हुआ भी वैसा, तो दो क्वेश्चन को लेके डिस्प्यूट कंप्लेन भी किया उसके लिए, वो मतलब डाला भी नहीं कि मेरा मतलब मार्क्स बढ़ेगा, लेकिन उसको मार्क्स बढ़ा नहीं। दूसरे पेरेंट्स को माँ बाप को क्या क्या कहेंगी दूसरे मम्मी जो बच्चों की है कि कैसे वो कैसे अपने बच्चों को ध्यान रखें? नहीं, बच्चे जब पढ़ना होगा तो खुद से पढ़ेंगे, वो ज़्यादा जोर जबरदस्ती करने से कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और इसका लगन था अपना कि नहीं हमको डॉक्टर बनना है, MBBS बनना है। जी। बहुत बधाई आपको। चल थैंक यू।